हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। तो इसके लिए मैंने लिया है इमली, कम से कम हाफ बॉयल, आप हाफ बोल ले लीजिए इमली, और हाफ बोल आप ले लीजिए खजूर। इमली से थोड़ा कम भी रहेगा, खजूर तो चल जाएगा। और यहाँ पे आपको लेना है गुड़, गुड़ आप ले लीजिए 1/4 बोल, एक कटोरी का। जैसे आप इमली ले रहे हैं तो आधा कटोरी खजूर लीजिए, और आधे का भी थोड़ा कम आप गुड़ लीजिए। और इसको सब बीज वगैरह आप निकाल दीजिए, इमली और खजूर में अगर बीज होगा तो उसे निकाल लीजिए। और भिंगा के रखना है 2 घंटा। 2 घंटा भिंगाने के बाद इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। आप इसे मिक्सी में पीस के एक पेस्ट तैयार कर लीजिए, और फिर इसे हमें छानना है। तो एक मोटी छन्नी ले लीजिए, यहाँ पे मैंने स्टील का जो स्ट्रेनर आता है वो यूज़ किया है, तो उसे मैंने इसमें छान लिया है। तो जब हम इमली को पकाएंगे तो पकाने से पहले ही हमें ये प्रोसेस करना है। तो पहले हमें अच्छे से छान लेना है पूरा इसका जो एक्स्ट्रा इमली की चटनी को हमेशा छान के पकाना, ये कभी अच्छी बनती है। और जो छान के इमली का पेस्ट आएगा उसे हमें गैस पे चलाना है। तो ये सारा छन गया है, अब गैस पे चढ़ाया है। यहाँ पे डाला गया है 1/2 चम्मच काला नमक, और आधा चम्मच से थोड़ा कम सादा नमक। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले सकते हैं। रोस्टेड जीरा पाउडर यहाँ ले रहे हैं, और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए पकाना है, और हमारी इमली की चटनी रेडी।